सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम एक कहानी पढ़ रहे थे जिस पाठ का नाम था, जिसमें वो जो है उसका नाम था अ आ च। इस पाठ का नाम लेते ही आपको वो कहानी याद आ गई होगी जो पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे। तो आप में से कौन है जो मुझे उस कहानी में कहाँ तक हम पहुंचे थे, क्या हुआ था, ये कौन बताएगा? बताइए मैम, कहना इसे। या बिल्कुल बोलिए मैम, मैं एक अहम नाम का एक बहुत ही मेहनती एक एक सेठ के यहाँ पे नौकरी करता था। और एक दिन ना वो छुट्टी मांगने के लिए बोला, तो उसका सेठ सोचा कि इसकी मेहनत भी नहीं होगी अगर मैं छुट्टी दे दिया, और पैसा भी देना पड़ेगा आज का। तो फिर वो बोला कि अहम और अह हा करके दो वस्तुएं लाओ, फिर मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा और छुट्टी भी दे दूंगा। तो वो बाहर ढूंढने जाता है, मिलता ही नहीं। तो लेकिन एक एक बूढ़ी औरत को वो बताता है ये सब, मिलती है तो उसके बाद फिर वो बोलती, वो समझ जाती है कि वो उसका जो सेठ है वो ये चीज इसलिए बोला है क्योंकि ये होती नहीं। तो बूढ़ी अम्मा उनको दे देती है वो चीज और बोलती है कि ये बहुत बहुमूल्य चीज है, संभाल के रखना। तो फिर वो आता है, तब तक अपन पढ़े थे। उत्तमम वसा, अति उत्तमम, आपने बिल्कुल सही कहा और वहीं तक कहा जहां तक आने थे। बहुत बढ़िया, आपको याद था, बहुत अच्छी बात है। तीर्थ के साथ साथ और भी लोगों को भी ऐसे याद होना चाहिए, और कुछ लोगों को तो याद भी होगा। अच्छी बात है, मुझे सुनकर अच्छा लगा कि आपने हर एक चीज पर जाकर उन चीजों को ध्यान में रखते हुए कहा, बहुत बढ़िया। तो हम आज आगे देख लेते हैं। तो उस वृद्ध महिला ने कहा यहाँ तक, परम द्वयम् एव बहुमूल्यकम् वर्तते। ये दोनों जो है, द्वयम् इति दो, ये दोनों जो वस्तुएं मैं आपको दे रही हूँ वो क्या है, बहुमूल्यकम्, कीमती है। प्रसन्न स स्वामिनः समीपे आगच्छति, और वह प्रसन्न होकर, वह अजीज जो है प्रसन्न होकर कि उसके मालिक ने उससे जो वस्तुएं मंगाई थी वह ले जा पा रहा है, उसे मिल गया है, ये सोचकर वह प्रसन्न होकर अपने स्वामी के पास जाता है। ठीक है, आगे इसमें लिखा हुआ है। मैम नेक्स्ट कैन आई रीड, मैम कैन आई रीड नेक्स्ट ये वाले पैराग्राफ। अजीजा दृष्टा स्वामी चकिता भवति। आप ये पैराग्राफ आप में से मुझे मान्या रीड करके बताएगी। मान्या, ये पैराग्राफ रीड कीजिए बेटा। दृष्ट्वा स्वामी चकितं भवति। स्वामी स्नेह एटिकाम उद्घाटयति पेटिकायां लघुपात्रद्वयम् आसीत्। प्रथमं सह एकं लघुपात्रम् उद्घाट्यति। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति। तस्य च हस्तं दष्टि। स्वामी उच्चे वदति अह
द्वितीयम अह द्वितीयम लघु पात्र पलक बना कि नहीं बना भाई बोलिए आगे अबे द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाट्यति एका अन्य मक्षिका निर्गच्छति स ललाटे दश्यति पीडितः स अत्युच्चे चैह अत्युच्चैः चित्करोति आह इति अजीजः सफल बहुत बढ़िया पढ़ा आपने ठीक है आगे मैं ये जो लाइन है उसे पढ़ने के लिए इनवाइट करती हूँ तनिका ये देख लीजिए बेटा ये लाइन तनिका आप ये देखो सित स्वामी तस्मे यस मैम अवकाश जो स्क्रीन से आप दिखेगा उसे आप लास्ट लाइन यस मैम ये पढ़िए यस मैम अजीज सफल अस्ति स्वामी अजीजः सफलः सफलः आस्ति अस्ति स्वामी तमे अवकाशय वेतनस्य च पूर्ण धन ददाति पूर्ण में अम की मात्रा लगी हुई बेटा इसलिए पूर्णम पढ़ेंगे उसे क्या पढ़ेंगे पूर्णम धन ददाति धन में भी अम की मात्रा लगी है तो क्या क्या पढ़ेंगे उसे धनम ददाति हाँ बेटा बिल्कुल सही कहा आपने ठीक है धन्यवाद वत्सा अब हम ये इसके हिंदी अनुवाद की ओर चलेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है जहाँ तक कि तीर्थ ने बताया कि हमें कि उसे वो दोनों वस्तुएं उस वृद्धा के माध्यम से मिल जाता है प्रसन्न होकर वह क्या करता है प्रसन्न होकर वह अपने स्वामी के पास चला जाता है कि उसके स्वामी क्यों क्योंकि वो स्वामी भक्त था और स्वामी भक्त था तो उसके स्वामी ने जो उसे कहा था कि वो दो वस्तुएं ला कर दो तो वह उसे ढूंढ कर लाने में समर्थ हो पाया इसलिए वो प्रसन्न होकर अपने स्वामी के पास गए अब देखते हैं आगे क्या हुआ अजीजम दृष्टवा स्वामी चकिता भवती अजीज को देखकर स्वामी जो है चकित चकित से तात्पर्य आश्चर्य उसे आश्चर्य होता है कि कैसे आ गए क्योंकि उसको मालूम है कि उसका जो सेवक है अजीत वह बिना काम किए वापस नहीं आता और मालिक को यह भी पता था कि उसने अपनी चतुराई से उसे ऐसी दो वस्तुएं मंगाई थी जो इस दुनिया में होती ही नहीं है तो ये वापस आया है तो कैसे आ गया है मैं तो सोचा था कि ये आज दिन भर में वापस नहीं आएगा और ये आ गया ऐसा सोचकर वह चकित हो जाता है आश्चर्य हो जाता है उसे तो आगे देखते हैं यहाँ क्या लिखा है स्वामी शनै शनै पेटिका उद्घाट्यति अब वो अजीत जो है अब जो दो बॉक्स लेकर आया रहता है बॉक्स लेकर जो आया रहता है पेटी लेकर जो आया रहता है उसे अपने स्वामी को देता है कि जो आपने वस्तु मंगाई थी बॉक्स में क्योंकि वृद्धा ने उसे बॉक्स में बंद करके दिया था दो डिब्बे में एक छोटा था एक बड़ा था
तो स्वामी जो है शनै 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 इति धीरे 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 क्या करते हैं, पेटिका, उस पेटिका को उद्घाटयति, उस जो बॉक्स रहती है, उस जो पेटी रहती है उसे क्या करते हैं, उद्घाटयति, खोलते हैं। पेटिकाया लघु पात्र द्वयम् आसीत्, उस पेटी में दो लघु पात्र द्वयम्, लघु पात्र द्वयम् से तात्पर्य दो छोटे छोटे पात्र थे, लघु पात्र द्वयम् उस पेटी में दो छोटे छोटे डिब्बे कह लीजिए या दो छोटे छोटे पात्र थे। प्रथम स एकम लघु पात्र उद्घाटयति, पहले वे उनके जो स्वामी रहते हैं वो क्या करते हैं, प्रथमम स अर्थात स्वामी है ना, वह एकम एक लघु इति छोटे पात्रम इति पात्र उद्घाटयति खोलते हैं, पहले वे छोटे डिब्बे को खोलते हैं उनके स्वामी। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, अब उसमें क्या दिख रहा है, उसमें ये है कि अचानक उसमें क्या आता है, एक मधुमक्खी निर्गच्छति निकलती है, एक मधुमक्खी उसमें से निकलती है, किसमें से, एक छोटे पात्र में से, ठीक है। और तस्य च हस्त दशति, तस्य च हस्त दशति ऐसा लिखा हुआ है, ठीक। तो यहां पर हमने ये देखा कि अजीज अपने स्वामी के पास वह उन्होंने जो मंगाया था वह लेकर जाते हैं और फिर स्वामी उसे धीरे धीरे उन पात्रों को खोलते हैं, उन पात्र में आप उनको दो डिब्बे मिलते हैं, दो छोटे रहते हैं, उनमें से एक छोटा डिब्बा भी खोलते हैं। सहसा अब उनमें से अचानक, सहसा इति अचानक, एका मधुमक्खी का निर्गच्छति, उसमें से अचानक एक मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्तम दस्ति, और वह मधुमक्खी जब निकलती तो मधुमक्खी क्या करती है, काटती है ना, काटती है, तो वह उस डिब्बे से जैसे उसने खोला, ढक्कन खोला, वैसे ही वह उसके हाथों को काटती है और उड़ जाती है। तो स्वामी के, उसके स्वामी के हाथों को काटती है, तो स्वामी क्या बोलता है, स्वामी उच्च है, तो स्वामी जो है वह जोर से वदती कहता है, क्या कहता है, आपको कोई चीज कर जाती है, कुछ हो जाता है तो कैसे बोलते हैं, हम लोग भी तो चीखते हैं ना, तो वैसे ही वे चीखे, हाँ ऐसा चीखे। और उसके बाद वे द्वितीय लघु पात्र उद्घाटयति, उन्होंने दूसरा छोटा डिब्बा खोला, एक अन्य मक्षी का निर्गच्छति, उसमें भी एक दूसरी मक्खी निकलती है, और वह उनके सह ललाटे दशति, वह उनके माथे को काटती है, माथे को जाकर काटती, पहला वाला उनके हाथ को काटता है, काटती है तो वो हा कहते हैं, और दूसरे वाली जो मक्खी है निकलकर सीधे उनके माथे पर जाकर काटती है, तो पीड़िता सह अत्युच्च, और माथे पर काटने के कारण से वे और जोर से कहते हैं, चित करोति, चीखते हैं, आह इति, आह इति ऐसा आह करके चीखते हैं। तो और इस तरह से अजीजा सफला सिद्ध, अब से अजीज तो क्या था, सीधा था ना, तो उसके स्वामी ने ही वैसे मंगाया था कि आ और आ लेकर आना, तो अब उसे ऐसा लग रहा है अजीज को कि दोनों समय में स्वामी ने वैसा ही आवाज किया, कि पहले समय हाथ को जब मधुमक्खी ने काटा तो क्या हुआ, हा हा कहा, दूसरे में माथे में काटा तो आह और जो से चीख पड़े, तो उसे लगा कि बिल्कुल यही वस्तु होगी जो स्वामी ने मंगाया था, मैं ला कर दे दिया। तो इस तरह से अजीजा सफला आसी, अजीज जो है अपने स्वामी भक्त होने के कार्य में सफल हो जाता है, उसको उसकी छुट्टी मिल जाती है। और स्वामी तस्मय अवकाश से वेदना से च पूर्णम धनम ददाति, और इस प्रकार उसके जो स्वामी हैं वह उसे छुट्टी भी देते हैं, क्योंकि शर्त ये थी ना कि ये दोनों वस्तुएं लेकर आओ तो मैं तुम्हें छुट्टी भी दूंगा और तुम्हारे वेतन का पैसा भी दूंगा, यही बात थी ना। तो इसलिए स्वामी को तस्मय अवकाश से उनको अवकाश देना हुआ वेतना से, और वेतन का पूर्णम धनम ददाति, पूरा पैसा भी देना पड़ा।
तो उन्होंने दिया ऐसा। इस तरह से ये जो कहानी है उसकी समाप्ति होती है, जिसका कि हमने पढ़ा नाम क्या था, आचर। तो आशा है कि आप सभी को ये कहानी समझ में आई होगी। कहानी तो समझ में आई होगी, साथ ही साथ आपको ये जो शब्द है संस्कृत के शब्द, ऐसे मैं पढ़ने बोलती तो क्या लिखा है, क्या लिखा है, उसका मतलब क्या होता है। अभी आप इसका हिंदी अर्थ बताने में समर्थ हो या नहीं हो? मैम आ जाता है हिंदी वर्ड। यस मैम आप कर लेंगे। इस साल पहली बार पढ़ रहे हो और आपको आपको ऐसा है कि आपको समझ में भी आ जाती है और आप उसका हिंदी अर्थ बताने में भी समर्थ है, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से ये जो पाठ है उसकी समाप्ति होती है। तो बताइए आपको इस पाठ को समझ पढ़कर क्या अनुभव हुआ, बताइए। चलिए क्या अनुभव हुआ? इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है बेटा? बोलिए, बोल सकते हैं जो आपकी इच्छा है, गलत सही होना हो तो हम बता देंगे, लेकिन बोल आपके मन में क्या चल रहा है ये तो हमें बताइए ना, बोलिए। चलिए इस पाठ को पढ़कर आपको क्या समझ में आया? मैम बोलिए। किसी के साथ ऐसी चतुराई नहीं करनी चाहिए मैम, किसी को भी किसी से भी ऐसे चतुराई नहीं करनी चाहिए, और हमें हमेशा अपने काम के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए और ईमानदारी दिखानी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो चतुराई शब्द आया बेटा, आपने कहा ना चतुराई नहीं करनी चाहिए, चतुराई तो हमें करनी चाहिए। चतुर किसे कहा गया है बताइए? चतुर अर्थात जिसकी बुद्धि तेज चलती है उसे चतुर कहा गया है, लेकिन उस चतुराई को हमें बुरे कार्यों को करने में उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे एक चोर है, चोर भी ताला तोड़ता है ना, और ताला तोड़ने वाला भी ताला तोड़ता है। चोर चोरी करने के लिए ताला तोड़ता है, जबकि जो मजदूर आते हैं वे ताला इसलिए तोड़ते हैं कि हमें सुविधा हो सके, हमें सुविधा देने के लिए ताला तोड़ते हैं। तो दोनों का कार्य ही है ताला तोड़ना, लेकिन दोनों का मकसद, दोनों की इच्छा, उनका उद्देश्य, जहां एक उद्देश्य लालच है वही दूसरे का उद्देश्य परोपकार करना हो जाता है ना। तो इसलिए जैसे आपने एक वाक्य कहा ना, चतुराई नहीं करनी चाहिए, चतुराई तो करनी चाहिए। चतुराई अर्थात बुद्धि दायक कार्य करना, जिसमें दिमाग लगाना पड़े तो ऐसे कार्य को करना, ये चतुराई है। लेकिन उस चतुराई का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए, है ना, जैसा कि उसके मालिक ने गलत काम के लिए किया। चतुर है इसलिए तो वो मालिक है ना, इसलिए वो धनी बना हुआ है। लेकिन दूसरी बात इसमें ये भी पता चली कि स्वामी भक्त तो वे हैं, कौन, अजीज तो है। इसके अलावा भी व्यक्ति को अगर उसने गलत उद्देश्य से चतुराई करने चतुराई की तो उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, जैसा कि इनको मक्खी ने काटा है ना, हाथ में काटा, माथे पर काटा, इनको दर्द हुआ, तो इसी तरह की पीड़ा भी बुरे कार्य करने पर होती है, ऐसा हमें पता चला। इसलिए हमें हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए, ये इस पाठ का उद्देश्य हुआ है ना। क्योंकि कोई व्यक्ति आपकी इतनी ईमानदारी से काम कर रहा है, 24 घंटे रह के काम कर रहा है, आज जब उसको जरूरत पड़ी ऐसी स्थिति में हम उसकी सहायता नहीं करेंगे तो ये गलत कार्य हो जाएगा। तो इसलिए अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए और हमें हमेशा अच्छे व्यवहार को ही तवज्जो देना चाहिए, ऐसा इस बात का उद्देश्य हुआ। ठीक है? यस मैम। तो फिर आज की कक्षा में यहीं पर